ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शिशिमानन्दमय की जय। पार्थी ने जय नहीं बोला, जय बहुत जरूरी है, भगवान की जय हमेशा होनी चाहिए वरना अपना कुछ नहीं होता है। ओके, नाउ टुडे आई एम मेकिंग कैबेज राइस। इट्स अ यमी राइस, यू नो, उसमें बहुत सारा कैबेज जाता है और चावल। सो एंड यू रिमेम्बर आई हैड टोल्ड यू, माँ हैड सेड लेफ्ट ओवर जो भी चावल हो, जो भी हो आप यूज करो। सो आई एम गोइंग टू शो यू, आई एम यूजिंग सम फ्रेश चावल एंड सम बासी चावल बोथ। ओके, सो आई शो यू। नाउ फर्स्ट एज यूजुअल स्विच ऑन द गैस। I wasn't planning to do the video today, but I thought might as well कर लेते हैं, no? So I'll put some oil first. And इसमें है ना, you can either put घी, if you're putting घी then don't put oil, सिर्फ घी डालिए, पर बहुत ज्यादा बटर डालिए। मैं बटर से बना रही हूं, कभी कभी मैं घी से बनाती हूं, कभी कभी बटर। सो टुडे आई एम यूजिंग बटर। इट टेस्ट वेरी गुड इफ यू हैव मोर ऑफ बटर और मोर ऑफ घी, जो भी आप यूज करें, बिकॉज ये बहुत सिंपल है राइस, यू नो, पुलाव जैसा। सो यू नीड मोर फॉर द फ्लेवर। नाउ इसमें जीरा डालिए, वन टेबल स्पून जितना। देन ग्रीन चिलीज, तीन चार आप ले सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए, उसको बारीक चॉप करके डालिए। देन यू थ्रो इन योर अदरक, जूलियन उसका लंबा लंबा काट के मैंने किया है। दिस इज वन होल कैबेज, ठीक है। तो ये पूरा कैबेज आप ग्रेट करके उसको रखिए, कैबेज को इसको सौते करिए। नाउ पुट द फ्लेम ऑन स्लो। उसके बाद एक कैप्सिकम काटा है, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा, यू नो, टाइनी टाइनी पीसेस, थ्रो इट इन। एंड सॉटे नाउ ऑन हाई फ्लेम। ये हुआ, उसके बाद सी दिस इज ऑल ऑप्शनल, ऐसा नहीं है कि ये डालना ही पड़ता है, मैं डाल रही हूं। ये मिक्स्ड हर्ब्स है, if you don't have mixed herbs you can eliminate, you can remove that, you know, it's okay, no hard and fast rule. I'm putting celery salt, wo bhi agar aapke paas nahi hai, fresh celery hai to wo kar sakte hain, powder celery hai to wo kar sakte hain, nahi hai to usko nikal sakte hain. So mixed herbs and celery is optional, theek hai, wo daliye. Namak daliye, again I'm putting the flame on slow, mix and put black pepper, kala mirch, ye hua chawal ready hai baaki pani nikal yeah. पत्ता गोभी डाल दीजिए,
Nice. See how much patta gobi, but it'll all become, it'll shrivel up. और वो बहुत कम हो जाएगा. इसको सौते करिए. इसका हैंडल बहुत गर्म हो जाता है. इट्स अ लवली यूटेंसिल बट यू कांट पिक इट अप. इसको थोड़ा सौते करिए. लुक सो नाइस ना. इसको मैंने कई बार बनाया है घर पे. आई थिंक आश्रम में भी बनाया है. हाँ बनाया है, कनखल में बनाया है. इट्स वेरी सिंपल. योर पुलाव इज डन. यू हैव टू जस्ट थ्रो द राइस इन नाउ. ये देखिए, ये कच्चा चावल है जिसको आधा घंटा भिगो के रखा था, बासमती चावल. सो आप चावल डाल दीजिए. थ्रो योर राइस इन. दिस इज वन मेजर, वन कप. सौते. So that was uncooked rice that I have thrown in. Okay. Now what we have to do is throw in water. ये पानी पहले डाल दीजिए. I have taken two measures of rice. This is one measure and one measure is outside which is cooked. वो कल का चावल है, उसको मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ. That I'll show you. और पानी चाहिए. And now this is कल का चावल. Okay, I'm just going to throw it in. So all your leftover rice also you can use up like this. And mix. ये बहुत गर्म है. इसमें नींबू डालना भूल गई. नींबू निकालती हूँ मैं. कुछ ना कुछ तो मैं भूल जाती हूँ, क्या करूं. और पानी डालू थोड़ा? नहीं बस हो गया. बस ना, नींबू डालती हूँ. नींबू नींबू भी नहीं है. All the seeds keep falling in. नींबू से क्या होता है ना, चावल becomes very खुल्ला खुल्ला. एक एक दाना आपको दिखेगा hopefully. But that's the idea. Now I will just stir it a little bit. And when it comes to a boil, gas को छोटा कर देना है. अभी it's on high flame. Just wash my hands in the meantime. Let it come to a boil, and then we will move forward. Now see, it's come to a boil. So what you do is cover it with the lid and put it on slow and let it cook. ये हुआ. अब हम लोग in the meantime, as it is cooking, we'll make a raita.
So I'm making tomato raita. It's very simple again. So I'll show you. I've chopped one tomato. This is some coriander leaves and 3-4 green chilies. This is cayenne pepper, which is pepper powder, chili powder kind of thing, but it is not tikha, it's not spicy. This is jeera powder. This is kala namak, pink salt, you know, that. Now, again, I have the curds, which is yesterday's curds, not today's. So if you find, you know, if you take one day's old curd and if you find it little khatta, you can put a little sugar in it. So this is the dahi, the curds. I'm going to take the water also, probably not, because tamatar ka pani niklega. So we'll see how it goes. So just take your dahi. Beat it up, which I've shown you earlier also. Beat up your dahi. Think I need more. Taking the water and the dahi. Ye hua. Uske baad, throw in your black pepper. Sorry, black pepper nahi. Pink salt. No pepper in this. Then cumin powder, jeera powder. Then little bit of cayenne powder. Then regular salt. Then throw in your green chilies, which we have chopped. This goes with that rice that we are making. This raita. Okay. Then I will take the hara dhania, coriander, mix it. And then throw all your tomatoes. Mix. Sometimes you can make aisa raita hai na, kheera kakdi bhi leke aap bana sakte ho. I'm just making of tomatoes. I'm not taking cucumber. That's it, and your raita is ready. See? So we'll do it with the rice. Now I think the rice is done. So see. See? Yummy it looks. See the rice? Lovely. When you serve. See, kalka rice or a kacha rice, dono mix ho gaye hain. So it doesn't make any difference. Nobody can tell. So now you take your rice and serve. Switch off the gas and take your raita. As much as you want, just serve in the plate. See? Yummy? Yes. Om Sahana Vavatu, Sahana Vunaktu, Sahaviryam Karvavahe, Tejasvinavadhitamastu, Mavid Vishavahe, Om Shanti Shanti Shanti.
श्री श्रीमानंदमय की जय। आज का कैबेज राइस विथ रायता बहुत बढ़िया। ट्राई इट, इट्स रियली यमी, वेरी सिंपल, द टेस्ट इज वेरी वेरी नाइस, यू नो, एंड इट्स अ फुल मील। रायता, चावल और क्या चाहिए।